आज किस वीडियो में सिक्योरिटी एनालिसिस का जो रिवीजन कर रहे थे हम लोग उसकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर कर रहे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि जो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है इसको टेस्ट करने का तीन रूल है एक है आपका ऑटो कोरलेशन टेस्ट एक है रन टेस्ट और एक है फिल्टर रूल टेस्ट तो जिसमें से हमने ऑटो कोरलेशन टेस्ट हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में देख लिया था आज हम लोग बात करेंगे रन टेस्ट पे एंड फिल्टर रूल टेस्ट पे और इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको भी एक बार क्विक रिव्यू करेंगे तो देखो रन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपको ये चेक करना है कि प्राइस किस तरीके से रन कर रहा है प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है इस चीजों को हमें चेक करना है तो अब देखिए मान लीजिए रन टेस्ट की अगर हम लोग पहुंचे तो सब चीज सबसे पहली बात समझना कि प्राइस मान लीजिए आज हमारा बढ़ा अगले दिन घटा फिर अगले दिन बढ़ा फिर अगले दिन घटा उसके नेक्स्ट डे बढ़ा घटा इस तरीके से अगर आपका चेंजेज आए मार्केट में प्राइस की तो आपको फॉरकास्ट करना मार्केट को बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है आज अगर बढ़ रहे हैं तो अगले दिन गिरेगा तो एक काम करो जिस दिन गिरा है उस दिन आप खरीद लीजिए फिर अगले दिन बढ़ जाएगा आपको फायदा हो जाएगा जिस दिन बढ़ा है उस दिन आप बेच दीजिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लीजिए अगले दिन मार्केट नीचे गिर जाएगा आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि सस्ते रेट पे आप क्या कर लोगे वाई कर लोगे तो इस तरीके से देखा जाए तो इसको नंबर ऑफ रन काउंट किया जाता है रन टेस्ट के अंदर यानी कि कितने बार डायरेक्शन चेंज हुई है दिस इज वन टू यानी कि number of run, direction change होना. बढ़ते हुए market में अगर अगर घटा, जैसे मान लीजिए, ये ये भी प्लस होता, तो कब हुई है? ये है एक run बोलेंगे इसको, इसको अगला रन यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव होते रहे वन रन डायरेक्शन चेंज हुई सेकेंड रन जब जब आपका डायरेक्शन चेंज हुई है दैट उतने नंबर ऑफ रन हो जाते इस टेस्ट के अंदर इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं ये जो नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज है ना इसको काउंट करके हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट में प्राइस को फॉरकास्ट करना आसान है या नहीं है यानी कि जो शेयर का प्राइस मार्केट में कोई हम फॉरकास्ट कर सकते या नहीं कर सकते सबसे पहली बात हम पढ़ क्या रहे हैं कि जो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट की एफिशिएंसी है उसको चेक कर रहे हैं अगर आप मार्केट को फॉरकास्ट कर पा रहे हैं मतलब मार्केट है मार्केट को फॉरकास्ट नहीं कर पा रहे मतलब मार्केट एफिशिएंट है और उस एफिशिएंट का भी तीन लेवल है तो हम लोग वीक फॉर्म को ही चेक कर सकते हैं जिसमें हमने बताया था कि वीक फॉर्म के अंदर मार्केट के पास्ट डेटा को यूज करके हम मार्केट को फॉरकास्ट नहीं कर सकते वापस आइए तो इसका मतलब नंबर ऑफ रन जो है ना ये हमें मार्केट के एफिशिएंसी को बताएगा तो ध्यान से सुनना सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रन यही है सबसे ज्यादा और सबसे कम नंबर ऑफ रन क्या हो सकता है बताइए दो यानी कि मैं ऐसा कर दूं सबसे कम नंबर ऑफ रन मान लीजिए फिफ्टी परसेंट टाइम आपका बढ़ा हुआ है चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं सबसे नंबर ऑफ कम यानी कि देखो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है देखो अगर सबसे कम नंबर ऑफ रन तो एक ही हो सकता है इससे कम तो नहीं हो सकता है कि देखो हर दिन बढ़ रहे बोलोगे सर ऐसा कभी होता नहीं ना

इसको फॉरकास्ट करना कितना आसान है जब पता है कि मार्केट गिरता ही नहीं है तो बोलोगे सर ये तो कभी पॉसिबल नहीं है तो फिर ठीक है एक काम कर सकते हो 50 परसेंट इसको क्या कर दो बताइए माइनस अभी भी आपका आपका सबसे कम नंबर ऑफ रन है यानी कि जो आपका हो गया two, एक बार बढ़ा है और डायरेक्शन चेंज हुई कब बताइए सेकेंड टाइम तो नंबर ऑफ रन टू तो अब देखो इसको भी ये मार्केट भी इनएफिशेंट है ये मार्केट भी इनएफिशेंट है यानी कि रैंडम जब तक मूवमेंट ना दिखे ना आप सोचोगे कि बढ़ेगा अगले दिन गिर जाए तब मार्केट एफिशिएंट है आप सोचोगे कि प्राइस गिरनी चाहिए मार्केट बढ़ जाए तब मार्केट एफिशिएंट है यहां तो आप जो सोचोगे वही होने वाला है तो मार्केट इन है इसका मतलब नंबर ऑफ रन बहुत ज्यादा हो जाए तब भी मार्केट इनएफिशेंट नंबर ऑफ रन बहुत कम हो जाए तब भी मार्केट इनएफिशेंट याद रखना तो हम लोग क्या करते इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक हम लोग रेंज बनाते हैं कि देखो इस रेंज के ऊपर चला जाए तो भी मार्केट इनएफिशिएंट इस रेंज के नीचे चला जाए तो भी मार्केट इनएफिशिएंट यानी कि हमें एक रेंज बनानी है इससे ऊपर निकल गया तब भी मार्केट इनएफिशिएंट इसके नीचे चला गया तब भी मार्केट इनएफिशिएंट अगर नंबर ऑफ रन जितना बीच में होगा इस नंबर ऑफ रन का एक रेंज बनाएंगे अगर उस रेंज के बीच में अगर हमारा नंबर ऑफ रन फॉल कर गया मतलब मार्केट इन अब ये रेंज कैसे बनाओगे ये रेंज बनाने के लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाने पड़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग क्या बनाते हैं बताइए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कुछ सेप इस तरीके का आता है टेबल तब यूज किया जाता है जब प्रोबेबिलिटी निकालना हो किसी एक रेंज के लिए आपको याद आ रहा होगा कि मीन पॉइंट हमारा फॉल करता है मिड <coughs> में अब हमारा जो जेड लाइन है इसके पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा जेड लाइन अगर नेगेटिव होगा अगर एरिया तो आपको जेड लाइन इधर जाएंगे अब आप याद रखिएगा जो जेड टेस्ट है अगर नंबर ऑफ डेटा थर्टी से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे जेड टेस्ट यूज होता है जहां पे जेड आपने कैसे निकाला था बताइए एक्स माइनस मीन डिवाइडेड डिवाइड बाई स्टैंडन या आपने ऑप्शन के अंदर डेरिवेटिव में पढ़ा ब्लैक स्कॉल मॉडल से पहले ओके अब आप सुनिएगा अब जहां पे अगर नंबर ऑफ डेटा अगर लेस देन थर्टी हो जाता है तो वहां पे टी टेस्ट यूज होता है और वही जेड जो है ना टी टेस्ट कहलाता है याद रखना तो जो टी का वैल्यू होता है वो जस्ट लाइक नंबर ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन फ्रॉम मीन ही होता है जैसे आपको याद आ रहा होगा कि अगर थोड़ा सा रिकॉल करोगे हमारा जो क्या कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर जो हमने ब्लैक स्कॉल से पहले आपको बाइन डेरिवेटिव में पढ़ाया था तो वहां पर आपने क्या सोचा सुना था या क्या देखा था आपने कि थ्री टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन से ज्यादा दूर जाने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील हो जाता है समझ में आ गया तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रेंज बनाने के लिए हम कहते हैं मीन से कितना ऊपर जाएंगे तो कहते हैं टी जैसे जेड टाइम्स ऑफ स्टैंड होते थे ना वैसे टी टाइम्स ऑफ स्टैंड ठीक है ये भी थ्री के आसपास ही आएगा आपका एक हो गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होगा मीन से टी माइनस स्टैंडबेशन अब ये जो होता है मीन कैसे निकाला जाएगा स्टैंड डिविजन कैसे निकाला जाएगा अगर ये दो काम कर लिया तो रन टेस्ट भी खत्म क्योंकि ये एक आपका दो लिमिट आ गया यानी कि ये हो गया आपका देखो आपने जो रेंज बना दिया कि देखो मीन हमारा यहाँ फॉल करता है मीन प्लस टी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन और ये है म्यू माइनस टी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन आपका लोअर लिमिट हो गया अगर नंबर ऑफ रन वो जो चेंज ऑफ द डायरेक्शन था ना वो अगर इसके इधर फॉल कर गया तो मार्केट इनएफिशिएंट इसके ऊपर चला गया तो भी मार्केट इनएफिशिएंट अगर इन दोनों के बीच में हमारा नंबर ऑफ रन तो मार्केट को फोरकास्ट करना फिर मुश्किल हो जाएगा जितना नंबर ऑफ कम अगर रैंडम बीच-बीच में होगा ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा होना चाहिए इस बीच वाले में क्या बोलेंगे हम लोग हम बोलेंगे कि हां जी मार्केट इनएफिशिएंट एफिशिएंट है तो अब रहा सवाल कि हमें दो चीज कैलकुलेट करना है क्या बताइए एक मीन अब यहाँ पे मीन किसका निकालोगे मीन जो होता है ना वो नंबर ऑफ रन का होता है ये जो आपका डायरेक्शन चेंज हुई थी उसका हुआ था तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है इसको स्पेशल तरीके से इसका एवरेज निकाला जाता है है ठीक इसका एवरेज निकालने के लिए जैसे आप क्या करते हो जितने बार डायरेक्शन अपसाइड की तरफ गई है उसको हम बोल देते हैं n1 ध्यान से रखना जो मार्केट ऊपर की तरफ गया जैसे हमने यहाँ पे जो अभी प्लस माइनस लिया था यहाँ पे देखो हम बोलेंगे कि कितने बार आपका मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया है टोटल नंबर ऑफ रन को मिला के तो ये देखो केन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्योंकि देखो अगर हमने सिक्सटीन डेज का डेटा यहाँ पे लिया हुआ है तो एन हमारा सिक्सटीन याद रखना नंबर ऑफ डेटा इसमें कितना है बताइए सिक्सटीन है अब हमें इस नंबर ऑफ डेटा का एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है देखो आपको पता है ये सिक्सटीन दो पार्ट में डिवाइडेड है कुछ दिन आपका ऊपर गया होगा कुछ दिन आपका नीचे गया होगा याद रखना जैसे यहाँ पे हम लोग देखे तो एन दो पार्ट में डिवाइडेड देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नंबर ऑफ माइनस को रख दीजिए एन टू नंबर ऑफ प्लस को रख दो एन वन ठीक है यानी कि एन वन प्लस एन टू को अगर ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डेटा बनेगा जो कि सिक्सटीन हो जाएगा जैसे आप यहाँ पे देखो थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन टोटल सिक्स है तो एन हो जाएगा आपका सिक्सटीन ठीक है अब ये एन दो पार्ट में डिवाइडेड है एन वन एंड एन टू एन वन क्या है बता दू आपको नंबर ऑफ आप प्लस और नंबर ऑफ माइनस क्या है एन टू जब आप मीन निकालने जाओगे तो मीन में क्या करते हैं हम लोग कि जो इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है इसका थोड़ा सा यूनिक टेक्निक चलते है मीन निकालने का टू एन वन एन टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन बोल सकते हो जैसे हमारे सिक्सटीन डेटा था इसमें वन एड कर देना है तो एवरेज नंबर ऑफ रन आ जाते हैं टू एन वन एन टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन सीधा बोल सकते हो क्योंकि एन वन और एन टू को ऐड करोगे तो एन बनेगा प्लस वन दिस इज द क्या कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ रन जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कहानी है तो जो मीन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस टू अब डिवाइडेड बाय जो करना है ना एन प्लस एन इज एन नंबर ऑफ चेंज भी प्लस और माइनस जितना भी डेटा होगा एन माइनस वन ये आपका आ गया स्टैंड निकालना था ये एवरेज करना होता है डिवाइडेड बाय एन जो होता है ना वो एवरेज करना होता है ध्यान सुनना ये एवरेज करना होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका नंबर ऑफ डेटा जो लेस देन थर्टी होता है ना उसकी वजह से यहाँ पे बेस में एन माइनस वन किया जाता है अब इस एन माइनस वन को समझने के लिए छोड़ो अब अभी इसको ऐसे याद करो क्योंकि ये क्या है? ये सारे आपके सैंपलिंग और जो आपने बचपन में में पढ़ा होगा सैंपल लेते हैं और सैंपल से पॉपुलेशन के लिए हम लोग कुछ ओपिनियन क्रिएट करते हैं बोलोगे ये क्या बोल दिया आपने जैसे आपने पढ़ा होगा स्टार्ट में फाउंडेशन लेवल पे कि मान लीजिए एक एक एलईडी बनाने वाले कंपनी है जो एलईडी करते हैं और वो सप्लायर को बेचते हैं अब उनको पता है कि मेरा कुछ एलईडी इसमें डिफेक्टिव हो सकता है अब डिफेक्टिव अगर होगा तो अब आप मुझे बताइए वो कैसे क्या हर एक एलईडी को जला के चेक करे कि, कि कितना डिफेक्टिव है नहीं तो क्या करते उसमें सैम्पलिंग करते तो अब आप जितना नंबर ऑफ डेटा कम होता है ना सैंपल जितना छोटा रखोगे आपकी डिसीजन उतना इनट होगा जैसे मान लीजिए आपने वन लाख एलईडी प्रोड्यूस किया है अब उस वन लाख एलईडी में कितना डिफेक्टिव है कितना पहले से ही फ्यूज है वो आपको कैसे पता तो मान लीजिए आपने सौ एलईडी को एज ए सैंपलिंग ले लिया और सौ एलईडी को जला के चेक किया और आपको उसमें से मान लीजिए दो परसेंट का डिफेक्टिव मिला उसमें से दो एलईडी खराब मिला तो क्या ये जो वन लाख एलईडी हमने बनाए उसके लिए एक ओपिनियन क्रिएट कर दे कि हमारा दो परसेंट एलईडी उसमें खराब होगा आप बोलोगे नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है हमने जो सैंपलिंग किया है वो में वो वाले डेटा हमारे पास आ गया जहां पे डिफेक्टिव कम था इसलिए दो ही एलईडी हमारे को खराब मिला जबकि कायदे से हो सकता है इस वन लाख के पॉपुलेशन में इसको बोलते है पॉपुलेशन और ये जितना सैंपल चेक करे हो ना जला जला के वो हो जाता है सैंपल तो जितना सैंपल साइज छोटा होता है ना हमारा डिसीजन उतना इनएक्यूरेट होता है याद रखना मान लीजिए हमने अगर पूरे एक लाख में से दस हजार बल्ब को जला के अगर चेक किया होगा तो अब हमारा डिसीजन क्या होगा सही होगा तो इसी से ना टी डिस्ट्रीब्यूशन और जेड डिस्ट्रीब्यूशन बोला है कि देखो पॉपुलेशन के अंदर अगर आपने सैंपल साइज लेस देन थर्टी रखा है ना सैंपल साइज अगर आपने लेस देन थर्टी रखा है ना तो आपकी जो डिसीजन है ना बहुत बेकार आने वाला है मतलब इनएकुरेट डिसीजन आने वाला है जो आप कह रहे हो पॉपुलेशन के लिए लेकिन अगर आपका सैंपल साइज थर्टी से ज्यादा है तो उसकी थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा है तो इसीलिए जब जेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब लोग स्टैंडर्ड से निकालते थे ना तो उसमें डिवाइडेड बाई एन करते थे और टी डिस्ट्रीब्यूशन

अब आइए वापस तो जो स्टैंडिवेशन निकालना है ना बहुत आसान है म्यू माइनस वन इसको मल्टीप्लाई कर देना है म्यू माइनस टू यानी कि मीन वाले से और इसको एन माइनस वन कर दीजिए उसको क्या कर देना आपको स्क्वायर रूट जाएगा स्टैंडर्ड स्टांडिवेशन आपका तो बस हो गया अब आपको रेंज निकालना है मीन आपका निकल चुका है ये आपका रेंज आ गया अब आप नंबर ऑफ जो ये डेटा आपने काउंट किया है ना जैसे इसको वन रन काउंट करेंगे इसको टू रन काउंट करेंगे इसको तीन जितने बार डायरेक्शन चेंज हुई है जितना नंबर ऑफ चेंज अब ये जो नंबर ऑफ रन जो आपने निकाला था ना नंबर ऑफ रन ठीक है कितना नंबर ऑफ रन है जैसे हमारे केस में नंबर ऑफ रन छे था ठीक है तो ये जो छे है ना आप ये अगर इन दोनों लिमिट के मिड में फॉल करता है तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि अच्छा जो हमारा मार्केट है एफिशिएंट है अगर इन दोनों रेंज के बाहर निकल गया तो हम बोलेंगे मार्केट को फॉरकास्ट करना आसान है मार्केट इनएफिशिएंट है ठीक है अब सवाल पैदा होती है कि टी का वैल्यू हम लोग कहां से लाए इसके लिए टी का वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट आपसे नहीं करेगा कि टी टेस्ट का टेबल आपको देखने आए क्योंकि टी टेस्ट के टेबल के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ठीक है और उसके अंदर जो आपका होते हैं ना होते हैं तो जैसे अगर 95% परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि 5% परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल की अगर बात करेगा अगर वो तो उस केस में आपको क्या करना है मैं बता दूं आपको कि 95% परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल 5 परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब ये होता है कि हम जो अपना ये रेंज रखना चाहते हैं ना ये बीच का डेटा 95 परसेंट यानी कि 95 फाइव परसेंट प्रोबाबिलिटी के साथ हम बोलना चाह रहा है कि हमारा जो नंबर ऑफ रन है तो टू पॉइंट फाइव परसेंट इधर और टू पॉइंट फाइव परसेंट इधर की एरिया को कवर किया जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी देखने के लिए आपको क्या करना होगा जेड टेस्ट में जाना पड़ेगा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल है लेकिन सैंपल साइज छोटा के केस में हम लोग की टेस्ट का टेबल देखते हैं जो कि टेबल देखना मुझे लगता है, कि अभी जरूरत नहीं है क्योंकि टेस्ट पे आज तक में देखोगे तो देखो स्टडी मैट में जरूर दिया हुआ है ठीक है सीएमए वाले को वैसे खैर डाला नहीं है लेकिन सीएमए वाले को भी ये पढ़ना है क्योंकि मार्केट एफिशिएंसी पे थियोरी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कोई बात नहीं अब ये देखो आरटीपी एमटीपी में जो ये क्वेश्चन समा चुका है मतलब आज तक एग्जाम में नहीं आया हुआ है तो मुझे लगता है अगर एग्जाम में ये पहले बार डालेगा तो आपको टी टेस्ट की टेबल देखने के लिए नहीं सोचेगा वो है ना अब क्योंकि वो वैल्यू दे देता है अभी तक इवन जब आपने देखा कि वी ए आर के वैल्यू निकालना है तो जेड की वैल्यू भी देके ही भेजता है आपको 95 फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल जितना भी है तो अगर 95 फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस से बात करना चाहते हो तो जेड का टी का जो वैल्यू होगा ना वो भी उसी जेड के आसपास होता है जो थ्री से नीचे ही आपको मिलेगा उसमें कुछ और नहीं मिलने वाला है ठीक है तो उसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेक किया जाता है जब भी टी की जो टेबल देखा जाता है ना उसमें दो चीज देखते हैं हम लोग टी के टेबल पे कि कितने परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल की बात करें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम देख

चले जाते जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था तो नंबर ऑफ ऑफ डेटा जो जो है है से से नीचे नीचे ही ही होता है। इसलिए टी टेस्ट के टेबल मिलते हैं ना उसमें डिग्री फ्रीडम हमेशा मिलता है तो थर्टी से नीचे का डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा जितना डेटा उसको माइनस वन कर दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया और उसमें कितने परसेंटेज का आपको कॉन्फिडेंस लेवल रखना है कितना प्रोबेबिलिटी रखना है यानी कि हम नाइनटी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस में बात करना चाहते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगा आ, इस एरिया का वो थोड़ा ज्यादा होगा अगर मान लीजिए 98 कॉन्फिडेंस से बात करना चाह रहे तो और ज्यादा प्रोवालिटी कवर करना पड़ेगा तो जेड और ज्यादा हो जाएगा आपका तो ये चीज आपको देखना है तो आपको जैसे मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर देन हो जाएगा ना तो यूज टी टेबल नहीं ये ये आपका होता है ये जेड टेबल हम लोग यूज करते हैं अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ठीक है ओके और अब आपका ये चीज आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर जैसे आप देखिए यह हमारा अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है अगर 95 फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस से बात करा तो इधर का एरिया आपको ढाई परसेंट देखना है अब इसके लिए कितना जेड होगा वो हम लोग क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया जाता है और कंक्लूजन ये हो गया कि अगर हमारा रेंज के बीच में अगर नंबर ऑफ रन अगर फॉल करता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मार्केट है एफिशेंट है

बेसिस पे मार्केट की एफिशिएंसी डिसाइड करते हो तो वीक फॉर्म होता है है ना इन दोनों के बेसिस पे जो डिसाइड करते हो मार्केट की एफिशिएंसी वो आपका होता है सेमी स्ट्रांग स्ट्रांग और तीनों के बेसिस पे डिसाइड करता वो है आपका strong. तो इसीलिए हम लोग पास डेटा को देख के मार्केट एफिशिएंसी चेक करें इसीलिए आपको कौन सी मार्केट देखना है आपको वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है और फिल्टर रूल टेस्ट में क्या होता है एक आपको कहते हैं कि एक आप अपना एक रूल बना लो एक रूल क्या बना लो कि मार्केट मान लीजिए जिस दिन गिरता है ठीक है उस दिन हम लोग क्या करते हैं मार्केट बाई करते हैं हर दिन जिस दिन भी मार्केट गिरेगा उस दिन हम शेयर बाई करेंगे और अगर यहां से 1 चला गया तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे एक परसेंट नीचे चला गया तो लॉस बुक करके निकल जाएंगे एक रूल हो गया आपके स्ट्रेटेजी बन गए बोलोगे कि किस बेसिस पे अरे आप अपनी मर्जी से कुछ भी रूल बना लो आप, आप बोलोगे नहीं ये रूल नहीं बनाते तो फिर ठीक है एक काम करो जब मार्केट जिस दिन आपका गिरने के बाद लगातार मार्केट की प्राइस गिर रहे थे इसमें थोड़ा सा बहुत अगर स्टॉक मार्केट की अगर नॉलेज हो तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा स्टॉक मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो ये टॉपिक थोड़ा कम समझ आने वाला याद रखिएगा अब आप कहते हो कि जिस दिन मार्केट हमारा बढ़ जाएगा याद रखना जिस दिन आपका मार्केट बढ़ जाएगा अब यहां पे मैं बाई करूंगा हर दिन आप सोचो कि गिरते हुए मार्केट में पहला दिन जब मार्केट अगर बढ़ जाए तो हम बाई करेंगे उसके बाद अब आपने बाई किया और अब कहते हो यहाँ से एक परसेंट ऊपर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे एक परसेंट यहाँ से नीचे चला जाए तो हम लोग लॉस बुक कर लेंगे क्योंकि आपने एंट्री ले लिया है तो एक ये स्ट्रेटजी हो गया तो कहते हैं फिल्टर रूल टेस्ट में आप एक अपना फिल्टर लगा लो मार्केट के अंदर कुछ भी फिल्टर बना लो आप अपने हिसाब से और हर बार मार्केट में वो फिल्टर चेक करो अगर वो मार्केट अगर आपका एफिशियंट है तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे और मार्केट अगर इनएफिशिएंट है तो प्रॉफिट आप कमा लोगे कुछ भी रूल बना लो आप समझ में आ गया बात बस एक रूल ऐसा बनाओ आप जैसे क्या होता है पास्ट का डेटा देखो आप आपको एक मार्केट के अंदर ना एक पैटर्न दिख जाएगा क्या दिख जाएगा पैटर्न पता है जैसे मैं आपको थोड़ा सा इस ये सब टॉपिक समझने में ना थोड़ा मार्केट की नॉलेज हो एनालिसिस चार्ट वगैरह देखने हैं तो बहुत अच्छे समझ आता है मैं अब तो ये रिवीजन वीडियो है तो चलो कोई नहीं अब ऐसे समझो आप कि इस तरीके के पैटर्न आपको नॉर्मली दिखेगा जैसे मैं बता दूं आपको क्या चलो मैं आपको बता दूं ऐसे क्या पैटर्न की बात कर रहे हैं आपको नॉर्मली जो मेरा पैटर्न देखना मार्केट मान लीजिए गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है अब देखना उसके बाद एक दिन अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए ना आपका ठीक है तो उसके बाद आपको क्या दिखेगा अगले दिन मार्केट बढ़ने की पॉसिबिलिटी नाइन्टी परसेंट होता है ये मेरा मेरा अपना देखा हुआ चीज है तो मेरे को अगर कोई मार्केट में एक फिल्टर लगाने की बोल दे तो मैं कैसा फिल्टर लगाऊंगा खैर गिरते हुए मार्केट में तो मैं नहीं खरीदूंगा ठीक है लेकिन मुझे अगर कोई ऐसा स्टॉक दिख जाए जो बहुत दिनों से गिर रही थी और आज एक अच्छा खच्चा लंबा सा एक ग्रीन कैंडल बनी है मतलब बायर यहां पे एक्टिव हुई है तो मुझे अगर कोई बोले कि यहां पे बाई करना है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे बाई कर लूंगा तो ये मेरा एक क्या हो गया बताइए एक फिल्टर बन गया और मैं आपको बता दूं कोई जरूरी नहीं कि अगले दिन बढ़ेगा ही लेकिन हाँ मैं इतना बता दूं कि ऐसा सिचुएशन में अगर आप बाई करोगे हर ऐसे डेटा के लिए बाई कर लो तो हो सकता है दस दिन अगर ट्रेड लोगे आप तो हो सकता है सेवन डेज आपको इसमें से फायदा हो जाएगा तो ठीक है सेवन डेज प्रॉफिट करेंगे तो थ्री डे हम लोग क्या करेंगे बताइए लॉस करेंगे तो आपका इसका मतलब सेवेंटी परसेंट विन रेशियो हो गया हाँ तो ठीक है आपने प्रॉफिट कमा लिया ना मतलब मार्केट इन एफिसियंट था आप मार्केट को फॉरकास्ट कर पा रहे हो बस सिंपल एक लाइन हाँ अगर ये इन एफिशियंट होता तो आपको मैं बता दू सॉरी एफिशियंट होता अगर मार्केट तो आपका ये रूल काम ही नहीं करता रूल काम ही नहीं करते का मतलब क्या हो गया बताइए इस केस में आपका पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपको यहां पे ज्यादा दिन आपका लॉस हो जाए और कम दिन आपका प्रॉफिट हो जाए ठीक है डेज डेज लॉस आपका प्रॉफिट तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आपका मार्केट में को फॉरकास्ट करना इतना आसान नहीं था तो फिल्टर रूल टेस्ट में हम लोग यही करते हैं क्या कहते हैं देखिए आप एक अपना स्ट्रेटेजी बना लेते हो ठीक है और इस स्ट्रेटेजी पे बेस्ड आप कुछ भी एक ट्रेड लेते हो आप उस ट्रेड एग्जाम्पल के लिए बोल रखा है कि आपका क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है अगर इसमें आपने सुपर नॉर्मल प्रोफिट अगर आपने कमा लिया उस टेस्ट के अंदर तो आपका क्या है यहां पे मार्केट जो है इन एफिशियंट है क्योंकि मार्केट को आपने फॉरकास्ट करके कमा लिया तो हम कह सकते हैं मार्केट क्या मार लिए इनएफिशियट है और अगर आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाया तो मार्केट में दम था मार्केट आपका क्या था एफिसियंट था तो यही तीन टेस्ट है अब ये फिल्टर रूल टेस्ट पे आज तक क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया गया है लेकिन आपको कुछ भी दिया जा सकता है कहीं पे भी आपको बन सकते हैं ये टेस्ट तो हमने तीन टेस्ट को यहाँ से कवर कर लिया तो इतना ही आपको कॉन्सेप्ट जो है ना सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर के अंदर आपको कवर करना था ठीक है तो एक काम करते एक बार क्वेश्चन की तरफ भी मूव करके देख लेते फटाफट क्वेश्चन को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और तब आप लोग अपना <coughs> देखिएगा कि कितना आपको इस पे एफर्ट डालना है नहीं डालना है उस चीजों को आप चेक कर लेना एक आता है आपका क्या बताइए

ठीक है तो ये आपका थर्टी डेज का डेटा के लिए एक्सपोनेंट जो होना चाहिए था

का एवरेज लेना है वो लेना है फिफ्टीन थाउजेंड और करेंट डे दे का डेटा लेना है आपको फोर्टीन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी टू और माइनस क्या कर देंगे बताइए जो आपका प्रीवियस डे का है मल्टीप्लाई बाय जो जो है है एक्सपोनेंट कि आपका जीरो, सिक्स टू दे रखा आपको वो वाले से मल्टीप्लाई करना है आपका इस दिन का ई एम ए आ जाएगा सेकेंड डे का ई एम ए निकालने के लिए फिर प्रीवियस डे का ई एम ए के बेसिस पे डिफरेंसेस जाएंगे तो ये आपका मूविंग एवरेज आ जाता है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग पे अगर आप जाते हो तो इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन जो सॉल्व किया इसके अंदर थोड़ा सा एक एम्ब मतलब मिस्टेक है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपको सॉल्यूशन देना है वो आपको दो सॉल्यूशन देना है याद रखेंगे तो अब देखिए इसमें मिस्टर ए जो है होल्ड कर रहा है thousand, अच्छा क्वेश्चन तो हम रीड नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के अंदर क्या है मैं बता दू मिस्टर ए के पास ना शेयर होता है ठीक है मिस्टर अरे क्वेश्चन को फिर बड़ी मुश्किल है क्वेश्चन डिस्कशन करना तो अः चलो क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा हमने क्या करा था बताइए क्योंकि हम लोग शेयर ना होते हुए शेयर को बेच देते है लेकिन होता क्या है उसको कल के डेट पे जाके टी प्लस वन पे आपको डिलीवरी देना होता है पहले टी प्लस टू चलता था अब टी प्लस वन की डिलीवरी चलती है तो जब डिलीवरी देने जाओगे तो आपके पास शेयर नहीं था तो हम क्या करते हैं वो शेयर किसी से बोरोविंग कर लेते हैं लेकिन जिनसे बोरोविंग किया है उनको हम लोग फी भी पे करते हैं और अगर इस दौरान कभी अगर आपको डिविडेंड पे कर दिया कंपनी ने तो डिविडेंड भी हम काउंटर पार्टी को पे करते हैं क्योंकि हमारे वजह से उनको डिविडेंड लॉस होता है तो इसमें जो इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना ये आपको लास्ट पॉइंट में जो बोला गया होगा कि व्हाट इज द प्रॉफिट टू मिस्टर एक्स वाई जेड बाय शॉर्टिंग द शेयर यानी एक्सवाई जे ने क्या किया था शेयर को शॉर्ट किया था तो इसका जो प्रॉफिट लॉस निकालना है देखो इसके टोटल अर्निंग में ये मिस्टर ए को यहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे थर्ड पॉइंट में शूट की सॉल्यूशन मिस्टेक है देखो ध्यान से मिस्टर ए की जब टोटल अर्निंग निकालने को बोला है ना तो मिस्टर ए वो पर्सन है जो आपको शेयर लोन पे दिया है तो उनके लिए क्या बोला है यहाँ पे कि मिस्टर ए जो लोन पे दिया है ना तो इसने जो लोन पे दिया तो उसके लिए जो फी कमाया वो उसका प्रॉफिट है और प्लस जो बीच में डिविडेंट डिक्लेयर किया है कंपनी ने डिविडेंट डिक्लेयर किया इस बीच में तो कहता है कि देखो मेरा डिविडेंट भी फायदा होगा तो सोचो जिसने लोन पे दिया है उसको डिविडेंट अगर मिला है तो डिविडेंट दिया किसने उसको क्योंकि शेयर तो जब हमने लोन पे दे दिया है तो मेरे डिमेट अकाउंट से तो शेयर निकल चुका है तो जब मेरे डिमेट अकाउंट से शेयर अगर निकल चुका है तो डिविडेंट मुझे दिया किसने बताना इसका मतलब जिसने मेरे से शेयर लोन पे लिया था तो लोन पे लेने वाले पार्टी इसमें वाई है, तो उसको तो डिविडेंड दिया होगा तभी तो मुझे मिला ना यानी कि एव को मिला तो मिस्टर ए के टोटल अर्निंग में डिविडेंड आप ऐड कर रहे हो और जब आप वाई जेड की जब आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लॉस निकालने को बोले हो शॉर्ट करने की वैसे तो यहाँ पे आप डिविडेंड कंसिडर ही नहीं कर रहे हो तो ये कैसे सही हो गया तो आईसीआई ने इस चीजों को नहीं लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं इसका दो सॉल्यूशन दीजिएगा आप लोग एक सॉल्यूशन क्या दोगे कि डिविडेंड आप पे कर देना जिस कर देना जो करेक्ट सॉल्यूशन है और एक आप डिविडेंड छोड़ देना जो आईसीआई का सॉल्यूशन है बोलोगे सर टाइम लग जाएगा थर्टी सेकेंड तो लगना है मुश्किल से तो थर्टी सेकेंड भी नहीं लगा सकते हो क्या जहां पे सॉल्यूशन के अंदर एम्बिगिटी है हम अपने आप को इंप्रूव कर ले हम अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस कर ले इंस्टीट्यूट को नहीं बदल सकते अब इंस्टीट्यूट को क्या होगा इसपे तो हम डिस्कशन करेंगे स्टडी मैट में होता तो हम इस चीजों को मुद्दे को उठाते लेकिन अब स्टडी मैट में ये चीज नहीं है और जब मेरा बोर्ड ऑफ स्टडीज से बात होता है तो वो कहते हैं कि स्टडी मैट की चेंजेस बताओ तो इसकी करेक्शन के लिए वैसे बात तो मैं करूंगा जब अभी मैं विजिट करने जा रहा हूं तो तो इस पे अगर करेक्शन हो जाता है ठीक है तो मैं कहता हूँ करेक्शन हो या ना हो मैंने दो आंसर दे दिया ना करेक्शन हो गया तो भी मेरा सही होगा नहीं करेक्शन हुआ तो भी मेरा आंसर सही है दो सोल्यूशन देकर आ जाइए वीक फॉर्म ऑफ मार्केट को चेक करने के लिए इसमें दो क्वेश्चन है एक है ऑटो कोरुलेशन टेस्ट आपका और एक क्वेश्चन है आपके रन टेस्ट पे रिलेटेड है तो बस दो क्वेश्चन आप इसमें देखो ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में क्या करना है एक कोरिलेशन निकालना है कोरिलेशन कैसे आता है को वै? इसका याद रखना इंस्टीट्यूट ने जो इसका सॉल्यूशन दिया है ना वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला को यूज करके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि छोड़ो उस कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला को ये रहा अब इस तरीके के फॉर्मूला को यूज करके इंस्टीट्यूट पहले तो बीटा निकालता है इंस्टीट्यूट और फिर कोरलेशन कॉम्पिशन पे वेरियंस निकाल के फिर उसको स्क्वायर रूट करके पहुंचाता है कोरलेशन पे मैं कहता हूं कि देखो वैसे भी ऑटो कोरलेशन टेस्ट एक बार एग्जाम में आया हुआ है इतनी भयानक से फॉर्मूला इतने सारे कैलकुलेशन तो इसके अंदर भी है ही ठीक है एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया वैसे हाथ से निकल जाएगा तो मैं आपको सेकेंड ऑल्टरिटी बताता हूँ कि जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा है ना कोरलेशन फॉर्मूला उसी तरीके से जाना आंसर नहीं बदलने वाला है तो ये जो है ना ये मेथड मेरा मेथड है मेरे मेथड से भी जाओगे तो मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये आपको आंसर उतना ही आने वाला है कोरलेशन जो आईसीआई निकालते भयानक से फॉर्मूला वहां से भी कोरलेशन पॉइंट फोर जीरो आते तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है

कोरिलेशन क्या बताता है कि डेटा में कितना सिमिलारिटी है तो हमने क्या किया टेन डेज तक के डेटा का एक मैंने वो बना दिया ठीक है एक एक सेट ऑफ डेटा बना दिया और अगला जो है मैंने सेकेंड सेट ऑफ डेटा ग्यारह से बीस बना दिया अब इन दो सेट ऑफ डेटा के अगर मूवमेंट में अगर सिमिलरिटी होगी तो हम क्या बोलेंगे कि मार्केट जो है सिमिलर है मतलब मार्केट फॉरकास्ट करना आसान है तो आसान है मतलब इनफिस है यानी कि लेकिन अगर सिमिलरिटी नहीं है दोनों के मूवमेंट में तो आपका कोरलेशन आएगा कम जीरो के आसपास बिल्कुल सिमिलर नहीं है तो कोरलेशन जीरो याद करो पोर्टफोलियो चैप्टर कोरलेशन पे तो हमने पूरे के पूरे एक लेक्चर लगा रखा है तो अब आप मुझे बताइए तो अब इस केस में हमें कोरलेशन निकालना है और दो सेट ऑफ डेटा लेंगे और क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो भी चेंज इन द प्राइस चेंज से तो हम लोग क्या करेंगे इसमें चेंज इन द प्राइस लेंगे दो सेट ऑफ डेटा में देखो दस दिन और अगले दस दिन चेंज लेंगे और इन दो डेटा के बीच में कोरिलेशन कोरिलेशन निकालेंगे नाइन कॉलम के साथ और अगर आपका जैसे इस केस में आपका पॉइंट फोर जीरो हम क्या बोलेंगे इसमें दिस इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट ऑफ रन वी कैन कंक्लूडेड दैट मार्केट डज नॉट शो फॉर्म ऑफ दीकियंसी मतलब आपका फोर्टी टाइम सिमिलरिटी है तो मार्केट को फॉरकास्ट कर सकते अगर ये जीरो के आसपास होता है पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो फाइव तो हम बोलते हैं कि हाँ मार्केट एफिशिएंट है तो यहां बोलते नहीं मार्केट डॉज नॉट शो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है ये सेकंड मेथड था अच्छा यहाँ मेथड नहीं लिखा हुआ है ये आपका सेकेंड मेथड है याद रखना ठीक है आ, और एक रहता है अब कौन सी वाले कोरलेशन सॉरी ऑटो कोरलेशन टेस्ट वाले तो इसमें तो इसमें आपको क्या करना है पहले टोटल डेटा काउंट करना है ठीक है जी इसमें टोटल पहले क्या करना है? करना है है बताइए नंबर ऑफ डेटा काउंट तो देखो कितना नंबर ऑफ डेटा है बताइए चेंज से चेक करना है तो चेंज जब चेक करोगे तो देखो प्राइस बढ़ी या घटी आपका प्राइस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुई है घटी है तो माइनस आ गया यहाँ पे क्या हुआ है बढ़ा है अच्छा मैंने करा तो था ही जब एक काम करो ना जब कराई हुआ है तो इसी से कर लेना ना, ना फटाफट फटा देखो ये आपको माइनस हुई है ये आपका देखो ये प्राइस बढ़ी है प्लस फिर अगले दिन बढ़ी है प्लस तो आपने क्या करा सारे प्लस माइनस यहाँ पे देख लिया प्राइस बढ़ी तो प्लस अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होता है पहले तो एन काउंट कर लो कितना है टोटल डेटा देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ठीक ठीक है। है है, है? है, है? जो जो ना आपका आपका इसमें अब इसको दो में में। करना और देखना कितने कितने बार बार तो कैसे काउंट करोगे बताइए इसको जो काउंट करेगा ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एन वन जो है ना आपका ग्यारह है ठीक है अब एन टू काउंट करो माइनस कितना है इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ बस हो गया एन टू है आपका एट देखो टोटल मिला के एन हो गया आपका 19? हाँ जी अब इसमें नंबर ऑफ रन काउंट करना है क्या काउंट करना है number of run, number of run होता है नंबर नंबर ऑफ ऑफ रन रन होता कितने बार डायरेक्शन चेंज हुई बहुत आसान है रन टेस्ट कितने बार डायरेक्शन चेंज हुई यहां से यहां तो एक बार आपका डायरेक्शन चेंज हुई यहां से ठीक है सॉरी इसको एक काउंट करेंगे इसको दूसरा काउंट करेंगे सेकंड टाइम डायरेक्शन चेंज हुई थर्ड टाइम अब ये देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो नंबर ऑफ रन वन तो फोर हो गई ये देखो फाइव सिक्स सेवन एट टोटल नंबर ऑफ रन जो है ना आपका एट है ये नंबर ऑफ रन जो है ना बहुत ज्यादा हो जाए तब भी मार्केट इन बहुत कम हो जाए तब भी मार्केट इन बस सिंपल सी कहानी है तो अब ये नंबर ऑफ रन छोटा है या बड़ा है इसके लिए हमें रेंज निकालना है अब रेंज कैसे निकालेंगे म्यू प्लस टी और ये हो जाएगा म्यू माइनस टी मल्टीप्लाई सिग्मा सिंपल ये दो रेंज आपको निकालनी है इस रेंज में अगर ये फॉल करता अगर ये रेंज, अगर जो है ना इस बीच में फॉल करा तो मार्केट एफिशिएंट अगर दोनों के बाहर किया तो मार्केट जो है इनएफिशिएंट बस इसका मतलब क्या हो गया अब हमें टी चाहिए और सिग्मा चाहिए और म्यू चाहिए है ना तो अब आप मुझे बताइए म्यू मीन है मीन कैसे निकालोगे अभी मैंने बताया था कि म्यू जो होता है टू एन वन एन टू डिवाइडेड बाय एन और प्लस वन है ना तो टू एन वन कितना निकाला था आपने बताइए टू मल्टीप्लाई बाय एन, एन कितना था हमारा और इसमें कर दीजिए ये आ गया सॉरी इलेवन मल्टीप्लाई बाय एट मल्टीप्लाई बाय टू डिड बाय नाइनटीन और प्लस वन ये आपका आ गया टेन पॉइंट टू सिक्स ये आपका आ गया म्यू ये देखो म्यू हमने पहले भी से निकाला था अब आपको क्या चाहिए बताइए जेड टी चाहिए टी क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको गिवन होगा ये देखो देखो क्वेश्चन में कहते हैं कि देखो, टी की जो वैल्यू है ना टी की जो वैल्यू है वो जेड की वैल्यू ही होता है जेड जो आपने पढ़ा है ना थ्री पॉइंट फाइव से ज्यादा नहीं होता है जेड वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का वही वैल्यू है टी कहता है इतना वैल्यू है अट्ठारह डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है एन माइनस वन

खतम, वन, इसको कर दो स्क्वायर रूट अभी आपने निकाला है वन, इतना आसान तो हाँ इंस्टीट्यूट की फॉर्मूला में जाओगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज नजर आएंगे याद रखना इंस्टीट्यूट की जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा लंबा है ठीक है लेकिन आपकी आंसर हमारे उसके साथ मैच करेगा ये देखो रन टेस्ट पे अगर अच्छा इंस्टीट्यूट के स्टडी मार्ट में तो है नहीं है आ, तो उसके लिए आपको कुछ और देखना आप चेक कर लेना आप लोगों को तो पता ही है कि कि कितना भयानक से ने दिया हुआ है, के लिए सेम आता है लेकिन की जो फॉर्मूला है थोड़ा भयानक सा है जो याद करना बड़ी मुश्किल है तो इस मैं भी कहता हूँ ये भी मत याद करो एन माइनस वन याद रखना है एन वन प्लस एन टू इज एन तो मैं तो बोलता हूँ ये फॉर्मूला याद रख लेना और देखो इसमें जो आपका गया है कितना बताइए ये आया है टू पॉइंट

सिग्मा पे टू पे ठीक है स्टैंडर्ड डिविजन तो ये चीज है तो अब देखिए इसमें ये आपका रेंज आ गए रेंज बनता है लोअर लिमिट इस लेवल पे और हायर लिमिट इस लिमिट पे हमारा नंबर ऑफ रन कितना था बताइए हमारा जो नंबर ऑफ रन था वो था एट ना नंबर नंबर ऑफ ऑफ रन रन जो जो था था हमारा हमारा वो तो देखिए है इसी रेंज में फॉल करता है क्या हाँ इसका मतलब मार्केट एफिशिएंट है देखो टेन परसेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसी रेंज में फॉल करता है हाँ तो हम यहाँ भी बोलेंगे मार्केट क्या है एफिशिएंट है हाँ आर जो है नंबर ऑफ आर रन जो था ना आठ ये बीच में फॉल करते हम कहते हैं कि मार्केट जो हमारा क्या है एफिसियंट है तो इसी के साथ जो होते हमारा आ, क्या कहते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस जो है वो कवर हो जाता है इसको जरूर एक बार देख के जाइएगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लगाना है लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको ऐसा ना हो कि रह जाएगा